वेलकम टू पियाजियो जनता सर्विस। कई बार क्या होता है कि आपने व्हीकल को लोन पे लिया हुआ है, फाइनेंस कराया हुआ है, और कभी कभी एक या दो ईएमआई आपका बाउंस हो जाता है या टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, रिकवरी वाले, बैंक रिकवरी वाले आकर के काली गलौच या फिर मारपीट या तरह तरह की धमकी या आपको बेइज्जत कर रहे हैं। तो क्यों कहते हैं ऐसा और किस तरह इससे बच सकते हैं हम लोग? अगर बात बात पे आपको धमकी दी जा रही है या बहुत ही गंदी गंदी बातें आपको कही जा रही है, तो ये वीडियो आप देखें। आपके भी कुछ राइट्स होते हैं, आपके भी कुछ उनके रिकवरी का भी कुछ नियम कानून होता है, उसके ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 5 कारण पहले बताऊँगा कि उसके क्या राइट्स होते हैं जब वो आपकी व्हीकल को रिकवरी क्लेम कर सकता है या आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है। और 2 ऐसे कारण बताऊंगा कि आप वो अगर फाइनेंसर अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, कमाल की जानकारी देंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने ईएमआई ड्यू कर दिया है, बाउंस कर दिया है 2 या 3 ईएमआई पे आपको वार्निंग देगा कि आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे या खींच कर लेकर चले जाएंगे। और 3rd ईएमआई बाउंस करने के टाइम होने के बाद अगर आपने ईएमआई नहीं जमा किया है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर सकता है। 1 ईएमआई बाउंस करने पे वो आपको फाइनेंसर को आके बोल सकता है कि आपने क्यों बाउंस किया है या ईएमआई क्यों टाइम पे नहीं जमा किया है आपने। उसके अलावा आपको कोई भी धमकी या कोई बात नहीं कह सकता, इसका ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2, लोन टर्म का वायलेशन। अगर आपने किसी तरह से लोन के टर्म कंडीशन का उल्लंघन किया है, जैसे कि आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है या किसी तरह से भी अगर आपने उल्लंघन किया है, तो आपकी गाड़ी रिकवरी हो सकती है, यानी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है तो फाइनेंसर का पैसा डूब सकता है, बैंक का पैसा डूब सकता है, इसीलिए ये टर्म कंडीशन आपको पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करवा देता है। इसलिए लोन लेते वक्त आप एक बार आप पूरा लोन का टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी तरह से गलत इंफॉर्मेशन देकर आपने लोन लिया है, या जैसे कि आपने गलत एड्रेस दिया है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में को मिसमैच हो चुका है, इसके कारण भी आपकी गाड़ी जब्ती हो सकती है यानी रिकवरी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, अनऑथराइज सेल या ट्रांसफ़र। यह केस कभी कभी देखने को मिलता है, यानी कि आपके शोरूम के बाहर से भी व्हीकल को सेल कर दिया जाता है, यानी कि कुछ जो सेल्स मैनेजर होते हैं दूसरे डीलर से व्हीकल लेकर के बाहर से बाहरी सेल कर देते हैं। इसका पता चलने पर भी अगर एक्शन लेता है शोरूम वाले तो उसके बाद भी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, बाद में वो रिलीज कर देते हैं लेकिन उस वक्त जब्त हो जाती है। और इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आपने पहला सर्विस कराने सर्विस सेंटर गए और वहाँ पे आपका बताया गया है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है आपका गाड़ी हमारे सर्विस सेंटर में, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई पंगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कमीशन बेस पे काम हो करके हमारा गाड़ी जो है प्रॉपर सर्विस सेंटर से सेल नहीं हुआ है, मतलब शोरूम से सेल नहीं हुआ है। और 5वां पॉइंट कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूँ कि किस तरह आप क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स को। और अगर आपने किसी भी व्हीकल का अगर लोन ले रखा है और 80% व्हीकल का लोन पे हो चुका है, तो उस कंडीशन पे आपकी व्हीकल को कभी भी रिकवरी नहीं कर सकता, यानी जब्त नहीं कर सकता आपकी गाड़ी को। यानी मान लिया जाए कि अगर 1,00,000 का व्हीकल है और आपने 80,000 रुपये पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकता है। वो आपसे बोल सकता है, वो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन व्हीकल को जब्त नहीं कर सकता है, यह ध्यान रखें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपने ईएमआई नहीं भर पाया है, 2 ईएमआई आपका बाउंस हो चुका है या नहीं किसी कारण से भर पाए हैं और रिकवरी के लिए आता है, तो उस वक्त अगर आपके साथ मारपीट करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट पे उस पर केस कर सकते हैं। और उसके बाद
आप मानहानि का दावा भी, हरासमेंट का केस भी ठोक सकते हैं और एज ए कंपनसेशन मोटी अमाउंट का दावा भी कर सकते हैं कि ही इसके कारण हमें हरासमेंट किया गया है और हमारे साथ मारपीट भी किया गया है बाजार में या कहीं और पे, बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी कारण से आपके साथ वह मारपीट नहीं कर सकता है। और ऐसे कमाल के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे कमाल के वीडियो लाते रहेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे कमाल के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।